please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। अलवर हिंसा में भीड़ के चंगुल से बचे असलम ने अपनी शिकायत में दावा किया कि रकबर को मारने वाले लोग घटना के वक्त इलाके के विधायक का उनके साथ होने का दावा कर रहे थे। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के उस विवादित बयान पर घमासान मच गया जिसमें उन्होंने बीफ पर रोक लगने से भीड़ की हिंसा बंद होने की बात कही। और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर शुरू हुआ आंदोलन कई जिलों में हिंसक हो गया और लोगों ने कई जगहों पर सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। जम्मू कश्मीर से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, श्रीनगर से जानकारी रिफत अब्दुल्ला दे रहे हैं। श्रीनगर में कुछ आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया है जिसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। नगर में आतंकी हमले की जानकारी मिल रही है जिसमें आतंकियों ने फायरिंग की है और इस फायरिंग में एक जवान के घायल होने की जानकारी। आतंकियों की फायरिंग में दो, अभी फिलहाल जो लगातार ब्रेकिंग आ रही है उसमें अपडेट ये कि दो जवान घायल हुए हैं, साथ ही जो गश्ती दल है जवानों का है जहां पे मिलिटेंटों ने फायरिंग की। अभी सीआरपीएफ का एक जवान जो है क्रिटिकली इंजर्ड है, यहां पे सीआरपीएफ तैनात थी और उन पे फायरिंग हुई है। जहां तक ये आप देख सकते हैं, यहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे एरिया को कॉर्डन किया। अभी एसएसपी को भी आप देख सकते हैं श्रीनगर के मूव हो रहे हैं यहां पे। और कुछ लोगों का कहना है, सीआरपीएफ के लोगों का कहना है कि शायद इसी एरिया में अभी मिलिटेंट है और जिस तरीके से लोगों को यहां से निकाला जा रहा है उससे यही लग रहा है कि शायद यहां पे मिलिटेंट हो सकते हैं। अभी चूंकि जो ही फायरिंग हुई उसके फौरन बाद यहां पे कॉर्डन मिल लिया गया इस बिल्डिंग को और अभी खच्चा यही जाहिर किया है कि शायद इसी बिल्डिंग में, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बटमालू के आईजी ऑफिस जहां पे है उसके करीब ही एक एरिया है, यहां पे फायरिंग हुई और इस एरिया में मिलिटेंटों ने दिन दहाड़े फायरिंग की तो उससे उन्होंने अपनी प्रेजेंस यहां पे दिखाई। लेकिन यहां पे अब देख जैसे यहां पे निकालने की कोशिश की जा रही है और समझा यही जा रहा है कि शायद इसी बिल्डिंग के अंदर शायद मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। और यहां पूरा आप देख सकते हैं कॉर्डन किया गया और अफरा तफरी यहां पे हर तरफ से देखने को मिल रहे हैं और जैसे गन कॉक किए वहां पे सिक्योरिटी फोर्स ने, आप देख सकते हैं। और ये अगर यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए होंगे तो ये कहा जा सकता है कि शायद सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन इस बिल्डिंग को कॉर्डन में ले लिया। और यहाँ पे जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस की एक्शन दिख रही है, चाहे सीआरपीएफ हो या पुलिस हो, उससे यही लग रहा है कि शायद इसी बिल्डिंग के अंदर अभी भी मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जब मिलिटेंटों ने जब फायरिंग की तो वो फौरन इस बिल्डिंग में शायद दाखिल हुए हैं। अभी मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस को लाया जा, रीइंफोर्समेंट बुलाई गई, यहाँ पे सीआरपीएफ और पुलिस के लोग जो हैं वो हर तरफ से इस बिल्डिंग को कॉर्डन में लिया गया। बिल्कुल हम उसी स्पॉट पे हैं जहाँ पे फायरिंग हुई है, यही वो स्पॉट है जहाँ पे मिलिटेंटों ने जो है सीआरपीएफ पे हमला किया। अभी एक सीआरपीएफ के अहलकार की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है, उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरा एरिया जो है कॉर्डन ऑफ किया गया, यहाँ पे दुकानें बंद कर दी गई और लगातार सर्च ऑपरेशन जो है यहाँ पे शुरू किया गया और ये जो बिल्डिंग है इसको घेरे में लिया गया। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई यहाँ पे मिलिटेंट छुपे हैं या नहीं, क्योंकि अभी कोई भी फायर अंदर से नहीं आया। लेकिन जिस तरीके से पूरे घेरे में लिया गया इस बिल्डिंग को और सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ सबको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी यहाँ से निकलने के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसे में आप देखना होगा क्या वाकई यहाँ पे मिलिटेंट है या नहीं। लेकिन दिन दहाड़े मिलिटेंटों ने एक मरतबा फिर से श्रीनगर में अपनी प्रेजेंस दिखाई। हाल ही में करण नगर एरिया में मिलिटेंटों ने फायरिंग की थी, दो सिक्योरिटी के लोग जो है उसमें मारे गए थे और आज फिर से मिलिटेंटों ने दावा बोला, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस अब सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिल रही है। अक्सर साउथ कश्मीर में ही अभी तक मिलिटेंटों के हमले ज्यादा देखने को मिल रहे थे। कैमरामैन शफी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज 18 इंडिया, श्रीनगर। रिफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिफत, जिस इमारत को कॉर्डन ऑफ करने की जानकारी आप अभी रिपोर्ट में दे रहे थे, क्या जानकारी है, क्या उसके भीतर आतंकी हैं, अगर हैं तो कितनी संख्या है उनकी? हाँ देखिए प्रीति, ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि सीआरपीएफ पे हमला हुआ और उसके बाद मिलिटेंटों ने भागने की कोशिश की होगी जिस तरीके से, लेकिन घेराव किया गया, घेराबंदी हर तरफ से की गई है बिल्डिंग की, तो उससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद मिलिटेंट जो है इस बिल्डिंग के अंदर है। लेकिन ये कह पाना मुश्किल है कि कितनी संख्या है और क्या वाकई वो बिल्डिंग के अंदर है या नहीं, तो ऐसे में शक की बुनियाद के फिलहाल इस बिल्डिंग को घेरे में लिया गया है और इसके अंदर जो यहाँ से हमें दिख रहा है स्पॉट से, अभी सिक्योरिटी फोर्सेज शायद आर्मी
बुलाई गई है ऐसा लग रहा है यहाँ से, लेकिन सीआरपीएफ के लोग शायद इस बिल्डिंग में रूम इंटरवेंशन की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हर जगह पे वो रूम इंटरवेंशन कर पाए तो शायद मिलिटेंट नहीं रहे होंगे इसमें, लेकिन अभी ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि जिस तरीके से लोगों को वहाँ से निकाला गया और जो इर्द गिर्द लोग थे उन्हें हटाया गया, तो ये कह पाना अभी मुश्किल है कि क्या वाकई इस बिल्डिंग के अंदर मिलिटेंट है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे दुकानें बंद हुई और लोगों को यहाँ से हटाया गया, तो ये कहा जा सकता है कि शायद मिलिटेंट हो सकते हैं। लेकिन मिलिटेंट पहले ही स्ट्रैटेजी बनाते हैं अटैक करने से पहले कि वो किस रास्ते से भागेंगे, तो अगर वो इसमें फंसेंगे तो ये कहा जा सकता है कि फिर शायद सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरन कॉर्डन किया है और उसके बाद यहाँ पे जो है अब सिक्योरिटी फोर्सेज इस बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल हर तरफ से अभी यहाँ पे सीआरपीएफ के आईजी भी पहुंचे, वो भी जायजा ले रहे हैं, जो भी आला अधिकारी हैं चाहे सीआरपीएफ के हैं या पुलिस के हैं वो इर्द गिर्द पहुंच चुके हैं। अभी क्या पाना मुश्किल है, लेकिन जो एक सीआरपीएफ एहलकार की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि सीआरपीएफ के जो आईजी हैं उनसे भी जो है बात करने की, अभी वो यहाँ पे सपोर्ट पे हैं लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह रहे हैं वो, क्योंकि अभी वो डिटेल्स यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल यही कहा जा सकता है कि कॉर्डन लगातार बरकरार है और इर्द गिर्द जिस तरीके का यहाँ पे माहौल बना हुआ है, लगता है कि शायद बिल्डिंग के अंदर मिलिटेंट हो सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से रीइंफोर्समेंट बुलाई गई आला अधिकारी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, अपडेट के लिए हम लौटेंगे आपके पास। श्रीनगर में सीआरपीएफ के गश्ती दल पर हमला किया गया है जिसमें एक जवान के गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी है। यूपी के झांसी में दो लड़के एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करते हुए उसे जंगल की ओर जबरन खींचकर ले जाने लगे। इन दो लड़कों के अलावा तीन और लड़के मौके पर मौजूद थे जिनमें एक ने लड़की से छेड़छाड़ का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस दौरान लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए उनसे रहम की भीख मांगती रही, लेकिन लड़कों ने उसे नहीं छोड़ा और वो उसे खींचकर जंगल की तरफ ले जाने लगे। लड़की के विरोध करने पर आरोपी लड़के कुछ दूरी पर रुक गए और वहीं खड़े रहकर लड़की से छेड़छाड़ करते रहे। छेड़छाड़ का ये वायरल वीडियो 12 जुलाई का बताया जा रहा है। लड़की का दावा है कि घटना से ठीक पहले वो खेत में काम कर रही अपनी मां को खाना देने जा रही थी। लड़की का ये दावा भी है कि इसी बीच उससे जानने वाले एक लड़के ने उसे बाइक पर लिफ्ट देने की बात कही, लेकिन आरोप है कि जंगल के बीच से गुजरते वक्त वहां खड़े चार लड़कों ने उन्हें घेर लिया और मारपीट के बाद उन दोनों की जाति पूछने लगे। इस बीच लड़की ने आरोपियों से उसे छोड़ने की खूब मिन्नतें की, लेकिन आरोपी लड़के लड़की को धमकाने लगे और जबरन संबंध बनाने का दबाव डालने लगे। हालांकि वायरल वीडियो में ये साफ नहीं हो पाया कि लड़की के साथ क्या हुआ, लेकिन नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने तीन लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया। हमें तहरीर प्राप्त हो गई है, जो डरा धमका करके जिसके ऊपर आरोप ले गया था उसको हम लोगों द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही पुलिस ने घटना में शामिल बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया। सवाल ये कि यूपी में लड़कियों को सुरक्षित माहौल कब मिलेगा? सरेआम इस तरह से किसी लड़की से छेड़छाड़ बेहद शर्मनाक है। इससे पहले भी इसी तरह से छेड़छाड़ के कई मामले सामने आ चुके हैं, इसके बाद भी हालात नहीं बदले। मध्य प्रदेश के गुना में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक कार्यक्रम में कुछ पुलिस वाले कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया को मंच से उतारने लगे। कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह ने गुना से कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कार्यक्रम में न बुलाने पर ऐतराज जताया और सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में वो मंच पर चढ़ गए और उन्हें देखते ही कुछ पुलिस वाले भी मंच पर पहुंचे और विरोध जता रहे कांग्रेस विधायकों को धकेलकर माइक से दूर कर दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात कुछ और पुलिस वालों ने मंच पर आकर कांग्रेस विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया को घेरे में ले लिया, जिसकी वजह से विधायक और सुरक्षा कर्मियों में कहासुनी भी हो गई, जिस पर मंच के नीचे मौजूद पुलिस वाले विधायक को पंडाल से बाहर ले गए। मैं इस कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूं, उनके संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है और उनको आमंत्रित नहीं किया गया। कांग्रेस विधायक ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने की घटना को जनता का अपमान बता दिया। सवाल ये कि सरकारी कार्यक्रम होने के बावजूद गुना से कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को आमंत्रण नहीं देना कहां तक जायज है? नेताओं को एक दूसरे की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक सड़क हादसे के बाद वहां मौजूद लोग एक गाड़ी में तोड़फोड़ करने लगे। हंगामा कर रहे लोगों ने उस गाड़ी को चला रहे शख्स पर नशे में होने का आरोप लगा दिया, जिसकी वजह से भीड़ का गुस्सा उस गाड़ी पर फूट पड़ा। गाड़ी में तोड़फोड़ के बाद उसको चला रहा शख्स भी भीड़ के निशाने पर आ गया, जिसको गाड़ी से दूर ले जाकर लोग पीटने लगे। और स्पीड में इतनी तेज थी कि 10 से 12 गाड़ियों को इसने उड़ा दिया और इसके बाद जो है चालक जो है इस गाड़ी का
उसने भागने की कोशिश की। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों ने ड्राइवर पर नशे में होने का भी आरोप लगाया। तो इसके सामने जो भी बाइक खड़ी गाड़ियां जो आ रहा था मतलब सबको ठोकते ही जा रहा था, लेकिन नॉन स्टॉप वो रुका नहीं, फिर वहां पे सिग्नल पे जाके अटक गया। इस हादसे में घायल चार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सवाल ये कि भीड़ ने जब हादसे के आरोपी को पकड़ लिया था तो उसे पुलिस के हवाले करने से पहले इस तरह बेरहमी से क्यों पीटा गया। सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने रेलवे के फ्लैक्सी फेयर सिस्टम पर बड़े सवाल उठाए हैं। संसद में पेश किए गए कैग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि सिस्टम के लागू होने से तमाम रेलगाड़ियों में सेकेंड एसी क्लास की 17% सीटें खाली रहीं, तो थर्ड एसी क्लास की 5% सीटें खाली रहीं, जबकि अकेले शताब्दी ट्रेनों में थर्ड एसी क्लास की 25% यानी 1/4 सीटें खाली रही। कैग ने दावा किया कि रेलवे की थर्ड एसी की सीटें पहले से मुनाफा कमा रही थी, ऐसे में उनमें फ्लैक्सी किराया लागू करने की कोई जरूरत नहीं थी। हैरान करने वाला आंकड़ा यह है कि फ्लैक्सी फेयर सिस्टम लागू होने के बाद रेलवे से करीब 7 लाख मुसाफिर दूर चले गए, तो अलग अलग रूट पर चलने वाली मेल और बाकी एक्सप्रेस गाड़ियों पर बोझ बढ़ गया। कैग ने तो यहां तक दावा किया कि 120 दिन पहले या 90 दिन पहले टिकट बुक करने पर रेलवे का सीधा मुकाबला हवाई सफर से होने लगता है, क्योंकि इतने वक्त पहले टिकट बुक कराने पर एयरलाइन भी यात्रियों को भारी भरकम छूट देती है। कैग ने सुझाव दिया कि रेलवे की यात्रा के लिए किराया दोबारा तय किया जाए, जो इस तरह से हो कि न रेलवे को आर्थिक नुकसान हो ना ही यात्री रेल से दूर जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया, जिस पर 2 अगस्त को सुनवाई होगी। राज्यसभा में बीजेपी सांसद सीपी ठाकुर ने दिल्ली में बंदरों के आतंक का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सभापति वेंकैया नायडू ने भी उपराष्ट्रपति आवास में बंदरों की बात कहकर सरकार से इसका हल निकालने को कहा। उपराष्ट्रपति निवास में भी यह समस्या है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने मुंबई में मौजूद जिन्ना हाउस को सरकारी संपत्ति बताते हुए इसे तोड़ने से इनकार कर दिया। मुंबई के वर्सोवा इलाके में तेज रफ्तार एक कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। बिहार के गया में एक लापता लड़के का शव संदिग्ध हालात में एक पेड़ से लटका मिला। यूपी की अमेठी पुलिस ने चोरी, लूट और डकैती जैसी शिकायत दर्ज करवाने वाले लोगों को घर पर ही FIR की कॉपी पहुंचाने वाली नई व्यवस्था की शुरुआत कर दी। राजस्थान के नागौर में एक बैंक में घुसे चोरों ने 47 लाख रुपए से ज्यादा की रकम चुरा ली। बिहार के लखीसराय में प्रसाद खाने से 50 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ने के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर डिवाइडर को तोड़ते हुए एक ट्रक के पलटने की वजह से जाम लग गया। महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले वित्त वर्ष में 12 करोड़ से ज्यादा का टैक्स भरा, जो कि बिहार झारखंड में सबसे ज्यादा रहा। अगले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रहे 4 जूनियर भारतीय साइक्लिस्ट को स्विट्जरलैंड ने वीजा देने से इनकार कर दिया। ऋषभ पंत ने भारतीय टेस्ट टीम में चयन को लेकर खुशी जताते हुए बताया कि वो विकेट कीपर के तौर पर भी अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान एक आदमी गोदावरी नदी पर बने पुल पर अचानक चढ़ गया। शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की मांग को लेकर काका शिंदे नाम के शख्स ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके लिए वो मराठा क्रांति मोर्चा की तरफ से बुलाए गए मार्च में पुल की रेलिंग पर चढ़ा और नदी में कूद पड़ा। घटना के तुरंत बाद वहां पहले से तैनात पुलिस वालों ने उसे एक नाव के सहारे नदी से बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मराठा आंदोलन हिंसक हो उठा और औरंगाबाद से करीब 200 किलोमीटर दूर परभणी जिले में सैकड़ों लोगों ने सरकारी बसों पर पथराव कर दिया। इस दौरान एक बस को आग के हवाले भी कर दिया गया, जिसकी वजह से कई यात्री घायल हो गए। इस बीच नदी में कूदकर जान देने वाला काका शिंदे के परिवार वालों ने शव लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मराठा क्रांति मोर्चा ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और सीएम फडणवीस पर आरक्षण के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। खुदकुशी की घटना पर गुस्सा जाहिर करते हुए मराठा क्रांति मोर्चा ने खुदकुशी करने वाले काके शिंदे के परिवार के लिए 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग रख दी। मराठा समाज ने महाराष्ट्र बंद का आंदोलन पूरे महाराष्ट्र भर का किया हुआ है। मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े लोगों ने महाराष्ट्र सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगा दिया। सवाल ये कि जब मराठा आरक्षण का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है तो इस मुद्दे पर खुदकुशी जैसा कदम उठाने की क्या जरूरत है? कहीं मामले को हवा देने की साजिश तो नहीं हो रही है?
यूपी के गाजियाबाद में एक इलाके में जीडीए यानी गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के दो कर्मचारी एक दुकान का शटर बंद करने के बाद उस पर पट्टी बांधकर सील करने लगे। गाजियाबाद में एक 5 मंजिला इमारत गिरने से हुए हादसे के बाद गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हरकत में आई और करीब 64 इमारतों को सील किया गया, जिनमें अवैध तरीके से बनाई गई कई दुकानें भी शामिल हैं। वहीं कुछ दुकानों के अंदर रखा सामान बाहर निकालने के बाद उन्हें सील किया गया। साथ ही प्रशासन ने हादसे वाली जगह के पास बन रही कई अवैध इमारतों के बनने पर रोक लगा दी और उन पर सीलिंग से जुड़ा नोटिस चिपका दिया। अवैध इमारतों पर की गई इस कार्रवाई में राजनगर, पंचवटी कॉलोनी, नीतिखंड 1, नीतिखंड 2 और इंद्रगढ़ी कॉलोनी समेत कुल 8 इलाकों की इमारतें शामिल हैं। मुझे नक्शा नहीं है, कराया था आपने पास, मैंने की कराया था, फिर भी इसे सील कर दिया, क्यों करा? इससे पहले प्रशासन ने 5 मंजिला इमारत गिरने के मामले में जीडीए के कुल 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को हादसे का जिम्मेदार माना और 4 कर्मचारियों को निलंबित कर कुछ के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी किए, जबकि रिटायर हो चुके एक अधिकारी पर कानूनी सलाह के बाद कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। सवाल ये कि हादसे के बाद सवाल उठने और लोगों की नाराजगी के बीच प्रशासन और गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी दबाव में आकर आनन फानन में कार्रवाई कर तो रही है, लेकिन कहीं ये कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति साबित ना हो जाए। प्रशासन और जीडीए की कोशिश होनी चाहिए कि इसके बाद अवैध इमारतें न बन पाए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बच्चों को कंधे पर बिठाकर कुछ लोग कई फीट तक पानी में डूबकर उन्हें रास्ता पार करवाने लगे। भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों में पानी भर गया और नदी नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से सड़कों और मैदानों में कई फीट पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हुई। भारी बारिश की वजह से शहर के आसपास के कुछ इलाकों में मकान भी पानी में डूबे दिखे। वहीं हाईवे के पास पार्वती नदी में उफान आने की वजह से वहां की सड़कें पानी में डूब गई, जिसके बाद लोग रास्ते में ही फंस गए और किनारे पर खड़े होकर पानी कम होने का इंतजार करने लगे। वहीं भारी बारिश के बाद सागर जिले में भी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि मकान और गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। रिहायशी इलाके में पानी भरने की वजह से लोग घरों में कैद रहने पर मजबूर हो गए। बताया गया कि 18 घंटे तक हुई बारिश की वजह से सुनार नदी में पानी खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा। नदी का पानी सड़कों पर पहुंचने की वजह से वहां गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने नदी के किनारे बने मकानों को खाली करा दिया। सवाल ये कि बाढ़ जैसे हालात से निपटने के इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं है? बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है, लिहाजा लोगों की मुसीबत जल्द सुलझती नहीं दिख रही। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी में एक बच्चा घायल हो गया। बिहार के वैशाली में एक सामुदायिक भवन के पास बंद पड़े डेयरी फार्म से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। बिहार के समस्तीपुर में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पुणे में एक कार में अचानक आग लग गई, हालांकि राहत की बात ये रही कि इसमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बिहार के गोपालगंज में एक लड़की ने एक वीडियो मैसेज के जरिए अपने रिश्तेदार और पड़ोसियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। यूपी के अमेठी में एक मालगाड़ी के कुछ डिब्बों के पटरी से उतरने की वजह से रेल यातायात करीब 1 घंटे तक बाधित रहा। मध्य प्रदेश के पन्ना में कई दुकानों में लगी भीषण आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। यूपी के गाजियाबाद में एक बच्ची को अगवा कर रेप करने के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को पकड़ लिया। चेन्नई में एक ट्रेन के पायदान पर यात्रा करने के दौरान हुए एक हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। आर अश्विन ने ब्रिटेन के काउंटी क्लब वॉर्सेस्टर के साथ करार किया और वो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भी काउंटी चैंपियनशिप के आखिरी 2 मैचों में हिस्सा लेने के लिए वहीं रुकेंगे। असम सरकार ने अंडर-20 विश्व चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली हिमा दास को राज्य का स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाने का ऐलान कर दिया। जर्मनी फुटबॉल संघ ने संन्यास का ऐलान करने वाले स्टार खिलाड़ी मेसूद ओज़िल की ओर से लगाए गए नस्लभेद के आरोपों को खारिज कर दिया। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। विपक्ष ने मुजफ्फरपुर के सरकारी बालिका गृह में 29 लड़कियों के रेप का मामला सदन में उठाया। और आरजेडी के विधायक हाथों में पोस्टर लेकर वेल में पहुंच गए। पार्टी ने इस मामले में कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की, जिसकी इजाजत नहीं मिली। विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा बंद नहीं हुआ। इस हंगामे के बीच नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। मुजफ्फरपुर में लगातार 29 बच्चियों के साथ शोषण किया गया, जो
इसमें लिप्त पाए गए हैं उसको सरकार जो है बचाने का काम कर रही है। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार खड़े हुए, लेकिन जब विपक्ष का हंगामा बंद नहीं हुआ तो सदन में मौजूद डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सरकार की ओर से मोर्चा संभाला। जो लोग भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई कर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, पीटी ट्रायल चलाया जाएगा। सरकार के जवाब के बाद भी विपक्ष ने सदन में हंगामा जारी रखा, जिसकी वजह से विधानसभा की कार्यवाही को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। विपक्ष ने इस मसले को लेकर सदन के बाहर भी नीतीश सरकार पर हमला जारी रखा और डिप्टी सीएम सुशील मोदी के करीबी ब्रजेश ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले में सीबीआई जांच की मांग की। जो इसमें मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर हैं, ये तो सुशील मोदी जी के विधानसभा के चैम्बर में बैठे हुए रहते थे, उनको बचाने का काम किया जा रहा है। नीतीश सरकार पर विपक्ष का हमला तेज होता देख सत्ताधारी जेडीयू ने भी विपक्ष को उसी के लहजे में जवाब दिया। न्यायालय के सक्षम आदेश के अनुरूप खुदाई की गई, वहाँ पे खुदाई में अब तक नहीं मिला, फोरेंसिकी जांच के लिए मिट्टी को भेजा गया है, तो ज्ञान का अभाव है, तो उसमें हम क्या मदद करें। सरकार का दावा है कि मामले से जुड़े किसी भी रसूखदार को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष का हमला सरकार पर जारी है। सवाल ये कि बेवजह की बयानबाजी से बाज क्यों नहीं आया जाता नेताओं के द्वारा, क्योंकि मुजफ्फरपुर की घटना की जांच चल रही है। ऐसे में इस मामले को लेकर नेताओं को बेवजह की बयानबाजी करके मामले को तूल नहीं देना चाहिए। संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने टीएमसी के सांसदों ने भीड़ की हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। टीएमसी ने राजस्थान के अलवर में रकबर खान की पीट पीट कर कथित हत्या के मामले में भी मोदी सरकार को घेरा और देश में बढ़ रही भीड़ की हिंसक घटनाओं पर उनसे जवाब मांगा। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने इकट्ठा हुए टीएमसी सांसदों ने केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की और भीड़ की हिंसा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। सांसदों ने भीड़ की हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वो जानते हैं कि मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है, तो ये आज पता चला कि लिंचिंग के पीछे कारण क्या है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा होगा, आज ये साफ जाहिर है कि ये कौन कर रहा है। टीएमसी ने संसद के बाहर ही नहीं अंदर भी भीड़ की हिंसा के मसले पर केंद्र से सवाल पूछे और जमकर हंगामा किया। सवाल ये कि भीड़ की हिंसा की समस्या सुलझाने के बजाय राजनीति क्यों की जा रही है। भीड़ की हिंसा के मसले पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा है। टीएमसी के लिए तो ये ऐसा मौका है जैसे, क्योंकि अब तक बीजेपी पश्चिम बंगाल में हिंसा के मुद्दे पर उसे घेरती रही है, लेकिन टीएमसी ने भी अब उसके खिलाफ मोर्चा खोला है। राजस्थान के अलवर में भीड़ की हिंसा के शिकार हुए रकबर खान के साथी ने अपने बयान में बीजेपी विधायक ज्ञान देव आईहूजा का नाम लिया। पुलिस को दिए बयान में उसने आरोप लगाया कि मारपीट कर रहे आरोपी बीजेपी विधायक के समर्थन का दावा कर रहे थे। इसके साथ ही रकबर खान के साथी असलम ने अपनी शिकायत में 5 आरोपियों के नाम भी बताए। पुलिस के सामने अपने लिखित बयान में उसने कहा कि मारपीट करने वाले विधायक ज्ञानदेव आहूजा का नाम ले रहे थे और उन्होंने विधायक के समर्थन का दावा भी किया। खबर के मुताबिक भीड़ ने जब रकबर खान पर हमला किया था उस वक्त असलम वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा। रकबर खान के परिजनों ने भी विधायक पर खुलकर आरोप लगाए। हमारा जो लड़का था, जो बच्चा है, उसने ये सुना है कि एमएलए तो अपना है, इसको मार लो, अपना कुछ नहीं दिखाएगा। हालांकि इससे पहले ज्ञानदेव आहूजा अलवर हिंसा मामले में आरोपियों का बचाव कर चुके हैं, लेकिन पुलिस में दर्ज की गई शिकायत में अपने नाम का जिक्र करने को विधायक ने छवि बिगाड़ने की कोशिश करार दिया। उधर अलवर हिंसा मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद भी कई सवाल उठे, जिसमें रकबर खान के शरीर पर कई गंभीर चोटें होने का दावा किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रकबर खान के शरीर पर चोट के 12 निशान मिले। इसके अलावा रकबर खान की कई पसलियां टूटी थी। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके हाथ और पैरों की हड्डियां टूटने की भी तस्दीक हुई। हालांकि मौके पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद के नेता नवल किशोर शर्मा ने रकबर की तस्वीरें दिखाकर दावा किया कि मारपीट के बावजूद वो ठीक हालत में था, लेकिन रकबर के परिजनों ने दावा किया कि उसकी मौत मारपीट के कारण ही हुई। पुलिस की लापरवाही से नहीं, अकबर को मारने से उनकी मौत हुई और वो उन्होंने पूरा उन लोगों ने मारा है। अलवर हिंसा मामले में परिजनों ने सख्ती से जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। सवाल ये कि लोग कब तक भीड़ की हिंसा के शिकार होते रहेंगे। अलवर हिंसा मामले में बीजेपी विधायक का नाम आने से नया मोड़ आ गया है। परिजनों का आरोप है कि उनकी शह पर ही आरोपियों ने पीट पीट कर हत्या को अंजाम दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी संकेत करती है कि बेशक रकबर को अस्पताल ले जाने में देरी हुई, लेकिन उसकी मौत की वजह उसके साथ बुरी तरह मारपीट थी। दिल्ली में ऑटो से सफर करना जल्दी महंगा हो सकता है।
किराया बढ़ाने के मुद्दे पर ऑटो रिक्शा यूनियन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच अहम बैठक हुई है, जिसके बाद सरकार ने इस कमेटी को बनाने का फैसला किया है जो किराए बढ़ाने के मसले पर सरकार को सुझाव देगी। जानकारी के मुताबिक ऑटो रिक्शा यूनियन ने शुरुआती किराया पहले 1 किलोमीटर के लिए 25 रुपए करने की मांग की। फिलहाल ऑटो का शुरुआती किराया पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपए है, साथ ही 1 किलोमीटर के बाद किराया बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलोमीटर करने की मांग की गई, जबकि अभी लोगों को 2 किलोमीटर के बाद 8 रुपए प्रति किलोमीटर किराया देना पड़ता है। दिल्ली सरकार ने इसे पहले 2013 में ऑटो के किराए में 25% की बढ़ोतरी करते हुए न्यूनतम किराया 19 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया था। ऑटो रिक्शा यूनियन ने वेटिंग चार्ज यानी इंतजार में खड़े रहने पर वसूली जाने वाली रकम को लेकर भी एक नीति बनाने की मांग की। दावा किया गया कि सरकार की बनाई कमेटी 1 से 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर किराए की नई दरें तय की जाएंगी। पी चिदम्बरम की याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी। मुंबई में सायन और कुर्ला के बीच तकनीकी खराबी की वजह से लोकल ट्रेन के देरी से चलने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। झारखंड के सरायकेला में गांव में घुसे हाथियों ने एक मकान को तबाह कर दिया और धान को भी खा गए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में कुछ पुलिस वाले वहां प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागने लगे। प्रदर्शन कर रहे छात्र मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटाने की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन उनका प्रदर्शन हिंसक होते देख वहां मौजूद पुलिस वालों ने छात्रों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इससे पहले मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आद्या प्रसाद पांडे को हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने सरकार के खिलाफ एक रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। छात्रों की भीड़ जैसे ही मणिपुर विधानसभा को घेरने के लिए आगे बढ़ी, वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया और समझाने की कोशिश की। इस बातचीत का कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद छात्र बारिश के बीच सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे और वाइस चांसलर पर घोटाले के आरोप लगाते हुए उनको पद से हटाने की मांग करने लगे। काफी देर चली बहस के बाद भी जब छात्र वहां से हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और उनको निशाना बनाकर आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे डर कर प्रदर्शन कर रहे छात्र वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वो वहीं से पुलिस वालों पर पथराव करने लगे। हालात बिगड़ते देख इम्फाल के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवा को रोक दिया गया, ताकि सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही अफवाहों को रोका जा सके। बताया गया कि केंद्र सरकार ने मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पर लगे आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन छात्र कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही वाइस चांसलर को उनके पद से हटाने की मांग पर अड़े हैं। सवाल ये कि छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा का सहारा क्यों लिया? मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का हक सबको है, लेकिन हिंसा को कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीड़ की हिंसा की घटनाओं को हाईलाइट करने की बात कही। जहां तक मॉब लिंचिंग की बात है, मुझे लगता है कि इसको ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की घटनाओं का कोई भी उल्लेख नहीं, लेकिन हाँ, जहां कहीं भी हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए, लेकिन दोनों प्रकार की उसको भी रोका जाना चाहिए। गौ तस्करी और गौ हत्याएं भी बंद होनी चाहिए। पर गौ तस्करी जो करे उसको कानून के हवाले करना चाहिए ना? हमने कहा ना, कानून के हवाले, उसके लिए कानून बना है, कानून उस पर कार्रवाई करेगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में व्हाट्सएप पर एक आपत्तिजनक मैसेज भेजने के आरोप में एक लड़का पिछले 5 महीनों से जेल में बंद है। आरोप है कि जेल में बंद लड़का उस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन था, जिससे आपत्तिजनक मैसेज भेजा गया था, जिसकी पड़ताल के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने जुनैद नाम के लड़के को 5 महीने पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जुनैद के परिवार का दावा है कि कुछ महीने पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक देश विरोधी मैसेज भेजा गया। मैसेज आते ही उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन ने ग्रुप छोड़ दिया, जिसके बाद व्हाट्सएप के एक फीचर की वजह से जुनैद उस ग्रुप का डिफॉल्ट एडमिन बन गया और मामले की जांच में जुटी पुलिस ने ग्रुप एडमिन होने के नाते उसको ही आरोपी मान लिया। भारत माता के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किया था, उसी में इनके जुनैद और इरफान को गिरफ्तार किया गया था। जुनैद के परिवार वालों ने पुलिस पर जानबूझकर उसको इस मामले में फंसाने का आरोप लगाया। पढ़के के अधिकारी बनूंगा, कर्मचारी बनूंगा, उसकी जिंदगी खराब कर दी इस द्रोह लगा के। पुलिस ने इस मामले में जुनैद के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया, जिसकी वजह से उसको हाईकोर्ट से भी अब तक राहत नहीं मिल पाई। जुनैद के घर वालों ने इस मामले में हाई लेवल जांच की मांग की।
सवाल ये कि व्हाट्सएप के इस्तेमाल में सावधानी क्यों नहीं बरती गई। हाल के दिनों में जिस तरह से व्हाट्सएप का इस्तेमाल भीड़ को उकसाने के लिए किया गया, जिससे भीड़ की हिंसा काफी बड़ी है, लिहाजा लोगों को भी तकनीक के सही इस्तेमाल को लेकर जागरूक करना जरूरी हो गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं रिफत अब्दुल्ला। श्रीनगर में कुछ आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया है, जिसमें एक जवान शहीद हो गए हैं। हमले के बाद आतंकी फरार हो गए और आशंका जताई जा रही है कि वो इलाके की ही एक इमारत में छिपे हैं। रिफत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिफत क्या अपडेट इस वक्त? देखिए, जैसा आपने कहा कि वहाँ पे कॉर्डन किया गया है उस पूरे एरिया का, और इस वक्त तलाशी कार्रवाई लगातार जारी है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ये बटमालू एरिया में है और वहाँ पे पुलिस का हेडक्वार्टर पहले था और अभी आईजीपी ऑफिस और एसएसपी ऑफिस तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे है और वहाँ पे ये हमला हुआ है। और सीआरपीएफ के हमले में एक सीआरपीएफ जवान जो है वो जख्मी की ताब न लगा चल बसा, एक और जख्मी बताया जा रहा है। लेकिन अभी लगातार कॉर्डन में है ये बिल्डिंग, जो वहाँ पे लोग थे सिविलियन से जो कुछ ऑफिस में काम कर रहे थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। उसमें कुछ वर्कर्स थे जो केरला से ताल्लुक रखने वाले हैं, वहाँ पे एक मोबाइल कंपनी में काम कर रहे थे, उनको भी बाहर निकाला गया है। लेकिन अभी भी लगातार कॉर्डन जारी है। आप देखना ये होगा क्या वाकई मिलिटेंट इस बिल्डिंग में है या नहीं। दूसरी तरफ से बटमालू एरिया से कुछ नौजवान आए थे, उन्होंने शुक्रिया रिफत जानकारी के लिए आपका।